हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइस, अगर आप एसी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए गोदरेज का एक शानदार एसी लेकर आया हूं जिसके फीचर एक्साइटिंग और यूनिक है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम यश है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल है, जिसमें हम आपके लिए नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो डालें तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। गाइस, गोदरेज जो कि अपने देश का जाना पहचाना और ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि पिछले 63 सालों से आपके लिए होम अप्लायंसेस के फील्ड में है। गोदरेज हमेशा से मार्केट में इनोवेशन के लिए जाना जाता है। गाइस, आपको आमिर खान वाला एड तो याद होगा, जिसमें गोदरेज हेयर ड्रायर से भी कम बिजली बिल देने वाला एसी लेकर आया था। उसी तरह चलिए गाइस, एक्सप्लोर करते हैं इस एसी में क्या खासियत है और क्या कमियां हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट इस एसी को अनबॉक्स कर लेते हैं और पता करते हैं इसे कुछ बॉक्स कंटेंट, और लास्ट में मैं इस एसी का कंप्लीट रिव्यू दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अनबॉक्स करते हैं। फटाफट बात कर लेते हैं इस एसी के लुक्स की। तो गाइस, एसी पूरा व्हाइट है और काफी प्रीमियम भी दिखता है। और गाइस, अगर हम इस एसी की डिजाइन के बारे में बात करें तो एसी के बॉडी को हल्का कर्व पैटर्न में बनाया गया है, जो कि इस एसी के लुक्स को और इनहेंस कर देता है। और गाइस, यहाँ हम लेफ्ट साइड आए तो यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है, जिसमें आपको मशीन के फीचर्स के बारे में अलग अलग डिटेल दिया गया है, और सामने में आपको गोदरेज की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, अगर ओवरऑल इस एसी के लुक्स के बारे में बात करें तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा और ये काफी अट्रैक्टिव भी दिखता है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं बॉक्स कॉन्टेंट की। तो सबसे पहले इसमें आपको एक क्विक सेटअप गाइड मिल जाता है। अगला, इसमें आपको गोदरेज का यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें आपको काफी अच्छा से रिमोट मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे बटन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नीचे आए तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग का बटन देखने को मिल जाता है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोड का बटन मिल जाता है। नीचे आए तो यहाँ पर आपको टर्बो और स्पीड का बटन दिया गया है, और नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक क्लीन का बटन मिल जाता है, इसके बारे में आगे मैं वीडियो में बताया हूँ। और टाइमर का बटन है, जिसे कि आप अपने एसी में टाइमर सेट कर सकते हैं, और बाकी सब बेसिक बटन इसमें आपको मिल जाते हैं। और सबसे नीचे में आपको एक गोदरेज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ओवरऑल इस रिमोट की बात की जाए तो ये रिमोट मेरे को काफी अच्छा लगा, और आप इसको काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। और गाइस, साथ ही साथ इसमें आपको एक लंबा पावर केबल मिल जाता है, और इसमें आपको बैटरी और एक कुछ स्क्रूज भी मिल जाते हैं। तो गाइस, ये तो थे कुछ इसके बॉक्स कंटेंट। तो आइए बात कर लेते हैं इस एसी के मेन फीचर्स के बारे में। ये गोदरेज का एसी आपको प्रिसाइज कूलिंग देता है, मतलब ये अपने कूलिंग कैपेसिटी को वेरी करके रूम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बनाए रखता है, ठीक उतना ही जितना आप चाहते हैं, इससे कि आपको एक कंफर्टेबल एम्बियंस मिलता है। अगला फीचर इस एसी में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का मिल जाता है। मान लीजिए अगर कभी भी आपके एसी में टेक्निकल परेशानी आती है तो आपके एसी के डिस्प्ले में एक कोड जनरेट हो जाएगा, और जो टेक्नीशियन आपके घर में एसी बनाने आया है वो इस कोड की मदद से काफी आसानी से आपके एसी के फॉल्ट को समझ जाएगा, और टेक्नीशियन के मैनुअल एरर का चांस खत्म हो जाता है और एसी इजीली और प्रिसाइजली रिपेयर हो जाता है। गाइस, अगला फीचर इस एसी को और एडवांस बना देता है, वो है इसमें लगा इवोपोरेटर कॉइल सेंसर। गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा जो इंडोर में लगा इवोपोरेटर कॉइल होता है उसमें गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती रहती है, और उसमें कभी कभी आइस जमने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सेंस करने के लिए गोदरेज ने अपने इस एसी में एक ऐसा सेंसर लगाया हुआ है जो कि आइस जमने में ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ कर देता है, जिससे कि आपका एसी फर्दर डैमेज से बच जाता है, और आपका एसी काफी आसानी से रिपेयर हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सही समय पर एड्रेस नहीं करने से आपके एसी को बड़ा डैमेज कर देती है। तो गाइस, क्या आप भी अपने एसी का बार बार सर्विसिंग करा के परेशान हो गए? तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस एसी में एंटी माइक्रोबियल सेल्फ क्लीनिंग फीचर लगा हुआ है। इस फीचर को ऑपरेट करने के लिए आपको अपने रिमोट से क्लीन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एसी ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीन हो जाएगा। कई जनरली जो एसी वाले रूम होते हैं वो चारों तरफ से पैक्ड होते हैं, जिसके कारण रूम में बाहर का फ्रेश एयर नहीं आ पाता है, और जो एसी हमारे रूम में लगा होता है वो हमारे रूम के एयर को बार बार सर्कुलेट करके हमें ठंडा एयर प्रोवाइड करता है। तो गाइस, क्या वो एयर शुद्ध होते हैं? क्या वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं?
तो गाइस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गोदरेज ने अपने इस एसी में ट्राई फिल्टर एयर प्योरीफिकेशन लगाया हुआ है, जिसमें आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, एंटी कार्बन फिल्टर और एंटी डस्ट फिल्टर का पेयर मिल जाता है, जो कि हवा में मौजूद छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को क्लीन करके आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। गाइस ये एसी इन्वर्टर एसी है। जनरली लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि इन्वर्टर एसी होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों एसी में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो है कंप्रेसर। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अलग अलग स्पीड पर चल सकता है, मतलब अगर आप एक डेढ़ टन का इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वो आधे से डेढ़ टन तक की अलग अलग कैपेसिटी पर चल सकता है। तो अब आप पूछोगे कि डेढ़ टन का एसी लेकर आप उसको एक या आधे टन जैसा क्यों चलाओगे, तो इसके मेनली दो रीजन है, एक पावर सेविंग, दूसरा प्रिसाइज कूलिंग। इससे आपका एसी बार बार कट ऑफ नहीं होता और अलग अलग स्पीड पर चलकर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिससे कि आपका बिजली बिल भी बचता है। क्योंकि अगर आपके रूम में कम लोग हैं या फिर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो ये कम कैपेसिटी लेकर चलेगा, और अगर गर्मी ज्यादा है या फिर लोग ज्यादा है तो ये फुल कैपेसिटी में चलेगा। तो गाइस सबसे लास्ट फीचर इस एसी में आपको फोर वे स्विंग का मिल जाता है, जिससे कि हवा आपके रूम के कोने कोने तक पहुंच के आपके रूम को काफी जल्दी ठंडा कर देता है। प्लस इस एसी में इको फ्रेंडली R32 गैस डाला गया है, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे कि हमारे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होते। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस एसी के कुछ टेक्निकल फीचर्स की। तो ये एसी 998.42 पर यूनिट के हिसाब से पावर कंजम्पशन लेता है और ये एसी 3.95 ISER के साथ आता है। साथ ही इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट की है। प्लस गाइस इस एसी की वारंटी की बात करूं तो 10 साल की कंप्रेसर में आपको कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। और गाइस इस एसी की इंडोर नॉइस लेवल 48 dB का है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। तो गाइस ओवरऑल इस एसी की बात की जाए तो इस एसी में आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल सेंसर, ट्राई फिल्टर फॉर एयर प्यूरिफिकेशन और प्रिसाइज कूलिंग, जिससे कि एसी आपको फास्ट कूलिंग के साथ क्लीन एयर भी प्रोवाइड करता है। और गाइस अगर इस एसी की इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो ये एसी 52 डिग्री सेल्सियस आउटडोर टेम्परेचर पर चल सकता है, परंतु गाइस अगर आप अदर ब्रांड्स के एसी में देखेंगे तो 58 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में चलने वाले एसी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि जिस रेट से गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है आपको इसका जरूरत फ्यूचर में पड़े। गाइस गोदरेज जो कि हमेशा से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, और अगर इस एसी को वाईफाई एनेबल बनाता जैसे कि बहुत सारे कंपनी कर रहे हैं, तो ये फीचर काफी अट्रैक्टिव होता, क्योंकि स्मार्ट एसी मोबाइल ऐप से ऑपरेट किए जा रहे हैं और यही नहीं, वो कहीं से भी कंट्रोल भी किए जा रहे हैं। तो गाइस यही कुछ इम्प्रूवमेंट इस एसी में करने चाहिए थे। बाकी इस एसी की बात की जाए तो एसी में काफी अच्छा लगा। और गाइस अगर आप एक एसी लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एसी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग चाहिए, हम आपके लाके देंगे। थैंक यू गाइस।